नून चाय कश्मीर के हर घर में दिन में कम से कम 2 बार बनाई जाती है। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है और सत्तू यानी कि सौंठ के साथ ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिले। लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कश्मीरी नून चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि कश्मीरी नून चाय के लिए जो चाय पत्ती होती है वो अलग होती है, जिसे हम कहवा चाय भी बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पर ली हुई है, ये कहवा चाय है, या फिर हम इसे ग्रीन लीव्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ग्रीन लीव्स ही होते हैं। 2 टाइप की चाय होती है, एक है ये जिसे हम कहवा चाय बोलते हैं या मोगल चाय भी बोलते हैं, दूसरी ये जिसे कि शीट चाय या जिससे प्रॉपर नून चाय बनती है वो। इनमें से जो आपको अवेलेबल हो जाए, जो इजिली मिल जाए, आप कोई भी ले सकते हो। मैं यहाँ कहवा चाय से, जो जिसके राउंड राउंड लीव्स है थोड़े से, इनकी पहचान ये है कि इसके राउंड राउंड लीव्स है और ये जो है थोड़ा फ्लैट लीव्स, लंबे लंबे लीव्स और थोड़ा बारीक होता है। तो मैं यहाँ इससे हम यानी कि कहवा चाय से जो है, जो कि ज्यादा इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाती है, इससे नून चाय बनाने वाली हूँ। और प्लस हमें इसमें चाहिए एक मेन इन्ग्रीडियंट, वो है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं, और हम लेंगे दूध जो, और इसके साथ हमें चाहिए नमक, क्योंकि ये नमकीन चाय है, नून चाय। नून चाय यानी कि नून मतलब नमक, चाय तो आप जानते ही है, ये नमकीन चाय होती है, इसे पिंक चाय भी बोलते हैं, शीर चाय भी बोलते हैं। तो इसे इसमें नमक डलता है, हम इसके लिए नमक लेंगे। और हम इसके साथ सत्तू बनाएंगे यानी कि सौंठ, और वो हम बनाएंगे चावलों से। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चावल ले लिया है। अब सबसे पहले हम सत्तू बनाएंगे, उसके लिए हम गैस को लाइट करके उस पर एक पैन रख देंगे और उसमें ये 1 कप चावल ऐसे डाल देंगे। हमें चावलों को रोस्ट करना है तो हम मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर इन्हें रोस्ट करेंगे। जब तक चावल पक रहे हैं तब तक हम नून चाय बना लेते हैं। झटपट नून चाय बनाने के लिए, जो बहुत जल्दी बन जाए, हम उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे। पानी हमें कम क्वांटिटी में लेना है, ज्यादा पानी नहीं लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। मैं इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाल रही हूँ। और उसके बाद हम डालेंगे बेकिंग सोडा, बिल्कुल पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, ऑलमोस्ट 1 पिंच जितना है वो डाल करके हम इसे थोड़ा पकने देंगे। एक तरफ हमारी चाय उबल रही है और दूसरी तरफ जो हमारा सत्तू है वो बन रहा है। इसे हम ऐसे हिलाते रहेंगे, इसे हमें ओकेजनली हिलाते रहना है। अगर आप देख पा रहे हो, चावल धीरे धीरे रोस्ट हो रहे हैं, उनका कलर हल्का हल्का रेड होने लगेगा। तो इस तरीके से अब हम इन्हें पकाते रहेंगे। अब आप इसे लो से मीडियम फ्लेम में पकाते रहिए। और अब हमारी चाय जो है वो इस तरीके से उबलने लग जाएगी। ऐसे इसे हम उबलने देंगे। इसे मैं चाय को सिम पे पका रही हूँ और अगर आप देख पा रहे हो, ये जो कलर है, ब्लैकिश ब्लैकिश कलर पानी का, ये चाय का कलर निकल रहा है। जब इतना सा पानी रह जाए, इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करके इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक इसे और इसी तरीके से बॉइल करने देंगे। अगर आप देख पा रहे हो ये कैसे ब्राउन ब्राउन, ऑलमोस्ट रेड रेड कलर जो है सौंठ का बन रहा है, इस टाइम पे हम इस फ्लेम को सिम पे करके इसे एकदम ब्राउन कर देना है राइस को। जब ये राइस व्हाइट राइस से इस तरीके से ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लग जाए, और अब देखिए ये ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है, ये अच्छे से पक चुका है, इसे थोड़ा ठंडा करके अब हम पीस लेंगे। ये हमने वो चावल एक बोल में ट्रांसफर कर लिए हैं, अब हम इसे पीस लेंगे। ये हमने इसे पीस लिया है और ये थोड़ा सा बारीक, थोड़ा दरदरा, ऐसे मिक्स सा है, ये ऐसे ही होता है। अब हम चाय को देखते हैं, ये चाय में कलर आ गया है। अगर आप देखो थोड़ा डार्क डार्क कलर का पानी हो गया है,
अब हम इसमें पानी डालेंगे, जितने कप हम चाय बनाना चाहते हैं उतना पानी डालेंगे। मैंने लगभग 4 कप चाय बनाई है तो अब हम इसमें 4 कप पानी डाल देंगे। ये पूरा जो कलर है डार्क हो गया, काफी अच्छा कलर आया है, मैंने इसे छान लिया है। छानने से ये होता है कि जो इसमें चाय की पत्ती होती है, जो टी लीव्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये सत्तू बनाया था, ये डालेंगे। मैंने इसमें 4 चम्मच सत्तू डाले हैं। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। और ये देखिए यहाँ पे चाय बन चुकी है इस तरीके से, इसमें पिंक कलर आ गया है। और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे। अब ये देखिए ये चाय उबल गई है, इसमें जो हमने सत्तू डाला था वो भी नरम हो गया है। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस चाय की। तो अब हमारे पास ये अखरोट है, इन अखरोट को हम इसमें चाय में डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे अखरोट डालना तो डाल सकते हैं, या बिना अखरोट के भी हम ये चाय का मजा ले सकते हैं। ये हमारी नून चाय तैयार है। ये हमारी नून चाय बिल्कुल तैयार है और बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है, पिंक कलर।